हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। जैसे कि जो जेके एसएसबी ने होम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के जो फॉर्म निकले थे, जिसका अभी फिलहाल पीईटी पीएसटी जो है कंडक्ट हो चुका है। अब यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है यहां पर लिस्ट आउट की गई है, किन किन बच्चों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो आपको यहाँ पर हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखें, ताकि डेली की जो अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल सके चैनल पर। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने वाली है उन कैंडिडेट की, जिन कैंडिडेट ने जो है पीईटी पीएसटी भी जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम तो क्वालिफाई किया है बट पीईटी पीएसटी भी जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बताएंगे कि वैसे तो ये अपडेट सब बच्चों को पता होगी, बट जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए भी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको जो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं वो लेके जाना है। जैसे आपको जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, जिस टाइम आपको जो प्रिंट दिया था वो आपको साथ लेके जाना है। दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं, हो सके तो चार डाल लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कलर फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है, और फिर आपका एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी या पैन कार्ड या पासपोर्ट, कुछ भी आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए एक। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो कि 10th मार्क्स कार्ड पे होती है। डिप्लोमा भी साथ ले जाइएगा। ठीक है, वैसे तो दोनों में से एक होना चाहिए बट साथ ले जाइएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट इट बिलोंग्स टू रिजर्व। अगर आपके पास कैटेगरी है तो वो सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। डेट देख लेना वहाँ पर। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है आपको, 10+2 का मार्कशीट और डिप्लोमा साथ ले जाइए। बैचलर डिग्री फाइनल ईयर का मार्कशीट अपने साथ ले जाइए। एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाइए अगर है। फिर बोनोफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग पोसेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इट शैल बी मैंडेटरी टू प्रोड्यूस रेलिवेंट इक्विवेलेंट। आपको ऑल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, अदरवाइज आपने कोई वहां पर इशू किया कि हमें अभी नहीं मिला ये है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये याद रखना। ठीक है, अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर वो लेके जाइए, एफिडेविट होना चाहिए उनका। ठीक है, फिर उसके बाद अदर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाइएगा। ठीक है, ये नहीं है कि जो दिखाया वही लेके जाइए, कोई और भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है या एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट जो भी है वो साथ ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है, और ये आपको जाना है यहाँ पर 21 से। ठीक है, 21 से स्टार्ट है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर देख लीजिए, ये सीरियल नंबर है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं पीईटी पीएसटी में। ठीक है, 128 पेजेस की जो है ये पीडीएफ है। यहाँ पर अपना नाम सर्च करना है आपने, आपको तो पता होगा नाम सर्च कैसे करना है। ठीक है, ये पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जो है इसको चेक कर सकते हैं अपना नाम। ठीक है, अब बात की जाए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने पीईटी पीएसटी जो क्वालिफाई किया था 6 दिसंबर से 7 दिसंबर जो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में है, 13 दिसंबर से 19 दिसंबर जो गुलशन ग्राउंड जम्मू में हुआ था। ठीक है, उन बच्चों को, और यहाँ पर आपको जाना है 21 से। ठीक है, चले जाइएगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। यहाँ पर आपको बताते हैं कब कब जाना है। कैंडिडेट जिन बच्चों ने यहाँ पर ये भी नोटिफाई किया है कि कैंडिडेट हु फेल टू अपेयर बिफोर द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी इन पर्सन ऑन द शेड्यूल डेट शैल फॉरफिट देयर राइट टू सिलेक्शन। और अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं लिए या वहाँ पर कुछ इशू किया, वहाँ पर बोला कि हमारे पास अभी ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आपको वो यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। आपके पास बड़ा मौका है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं कौन कौन से आपको लेके जाने हैं, और ये ज़रूर लेके जाइएगा। चाहे तो आज किसी भी तरह, अगर आपके पास नहीं है, स्कूल में हैं, स्कूल से लाइए, या फिर आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी हैं वहाँ से लेके ज़रूर आइए, और अपने जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये देख लीजिएगा नाम अपने, सर्च यहाँ पर देख लीजिएगा, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने सारे बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पर देखो कितने सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया किस तरह से आपको जो है कब कब जाना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको टाइम वेन्यू सब कुछ दिया है, कब किसने कहाँ पर जाना है, ये भी वेन्यू भी आपको दिया गया है कहाँ पे जाना है। ठीक है, ज़रूर जाइएगा, ये आपको यहाँ पर बताया। देखो पूरी पीडीएफ में आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखो पहले तो ये बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कितने बच्चे सिलेक्ट हैं इसमें। एक सेकेंड ज़रा वेट कीजिए। देखिए 18+19+21+2-3-4-5-6 लगभग जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो हैं 2513। ठीक है, यानी कि 2513 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो है आकीब गानिया जो हैं, उन्होंने यहाँ पर 21 को उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 10 बजे से 1 बजे का टाइम है, और उनको जाना है जेके एसएसबी डिविजनल ऑफिस शिकारी भवन बहू प्लाजा जम्मू में। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सारा अपना नाम,
फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर डेट एंड टाइम वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और वेन्यू कहाँ पर जाना है ये आपको वापस यहाँ पर बताया है, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।